श्रद्धा क्या है? ये चारों ओर जो लोग कहते हैं कि ईश्वर में हमारी श्रद्धा है, क्या वास्तव में ये श्रद्धा है या कुछ और? तो वास्तविक श्रद्धा क्या है, कबीर साहब के दोहे से समझेंगे। कबीर साहब कहते हैं, मुर्दे को भी देत है कपड़ा पानी आग, जीवत नर चिंता करे ताका बड़ा अभाग। क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि मुर्दे को भी देत है कपड़ा पानी आग। जो मुर्दा होता है, देखा है ना, उसको भी कपड़े पहनाए जाते हैं, भले ही उसने पिछले 10 साल से कपड़े ना बदले हों, किंतु उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। क्या मरने से पहले वो तैयार करके रखे गया था क्या कि मुझे ये कपड़े पहनाना जब मैं मर जाऊंगा? उसको पानी दिया जाता है, उसको आग भी दी जाती है, उस वो कोई एग्रीमेंट करके तो गया नहीं था, समझौता करके तो गया नहीं था कि मुझे ये चीज़ें हैं, ये मुझे देना मरने के बाद। वो मुर्दा उस स्थिति में पहुंच गया है जहां उसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर कुछ भी सक्रिय नहीं है, प्राण छूट गए हैं उस तन से, किंतु देने वाला उसे भी दे रहा है। उसी के विपरीत देखिए, वो जो जीवित है उसके लिए क्या कहते हैं कबीर साहब, जीवित नर चिंता करे ताका बड़ा अभाग। माने जो मर चुका है, जो अब कुछ नहीं कर सकता, उसको भी देने वाला दे ही रहा है, किंतु एक ये जो इंसान है या जो जीवित है, ये बड़ा परेशान है। इसका कितना बड़ा अभाग है कि जिंदा होते हुए भी परेशान है। मुर्दा तो चलो ऐसा है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता, किंतु उसको भी देने वाला दे ही रहा है, फिर इस जिंदा इंसान को किस बात की चिंता? अरे देने वाले ने नहीं दिया तो तू तो इस काबिल है ना कि तू खुद कमा सकता है, लेकिन फिर भी ये बड़ा चिंतित रहता है। तो श्रद्धा क्या हुई? निश्चिंतता, जीते जी अपने जीवन के प्रति निश्चिंत हो जाना, ये श्रद्धा है। श्रद्धा ये नहीं है कि कोई काम ना लेकर के चले गए किसी मूर्ति के सामने और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कह दिया कि हमें अपने प्रभु पर श्रद्धा है, वो हमारी हर मनोकामना पूरी करेगा। ऐसों को भिखमंगा कहते हैं, श्रद्धावान नहीं। देने वाले ने तो वो सब दे दिया है जो तुम्हें चाहिए था, और वो दे ही रहा है लगातार, तुम्हारी सांसें नहीं चल सकती उसकी कृपा के बिना, तुम्हारी आंखें देख नहीं सकती उसकी कृपा के बिना, तुम्हारी प्यास नहीं बुझ सकती उसकी कृपा के बिना। और कबीर साहब ने देखा कि जल, अग्नि, प्रकाश, वायु, देने वाला तो सब कुछ दे ही रहा है, तो मैं जीते जी क्यों चिंता करूं? हो गए कबीर साहब निश्चिंत, ये श्रद्धा है। अब आओ उन लोगों की तरफ जिनको तुम कहते हो कि उनको ईश्वर में श्रद्धा है, बताओ जरा इनकी श्रद्धा कैसी है। जो जीवन में चिंतित है, परेशान है, बात बात में डरते हैं, कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घर में इनके 2 साल का खर्च निकल जाए इतना भरा पड़ा है, कोठे भरे हैं खाने के लिए, बैंक में पैसा पड़ा है, उसके बाद भी डरते हैं कि क्या होगा, तुम इन्हें श्रद्धा कहते हो? ईश्वर के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं और सब कुछ भरा हुआ है घर में, उसके बाद भी चिंता इनकी मिटती नहीं, क्या ये श्रद्धा है? इसे श्रद्धा नहीं कहते, श्रद्धा है निश्चिंत हो जाना। अरे देखो अपने चारों तरफ, पशु पक्षी, ऊंची पहाड़ियों पर वो उगे हुए पेड़, उनकी हरियाली देखो, कौन वहां तक पानी पहुंचाता है इनके लिए? पहाड़ी से तो पानी अगर डालोगे तो बहकर नीचे आ जाएगा, किंतु फिर भी ऊंची पहाड़ियों पर पेड़ हरे भरे होते हैं, क्यों? देने वाला पहुंचा रहा है ना वहां तक भी पानी। देखो इंसान से ज्यादा तो पशु पक्षी में श्रद्धा है कि तू अगर हमें देगा, तू अगर हमें खाना देगा खा लेंगे, तू अगर नहीं देगा नहीं खाएंगे, तू जीवाएगा तो जी लेंगे, तू मारेगा तो मर जाएंगे, पर तुझसे शिकायत नहीं करेंगे कि तूने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये कमी है, वो कमी है। तूने कुत्ता बनाया, हम कुत्ता बन के जी लेंगे, तूने पेड़ बनाया तो हम पेड़ बनकर जिएंगे और पेड़ का जो काम है वो सब करेंगे, ये श्रद्धा है। छोटी सी चींटी से लेकर के बड़े हाथी तक, बड़े पेड़ तक, बड़े पहाड़ तक को वो भूखा नहीं मरने देता। और एक इंसान है,
जो अपने आप को कहता है कि हमें श्रद्धा है, जो कहता है कि हमें श्रद्धा है उसे श्रद्धा नहीं है, और पेड़ पौधे पशु पक्षी कभी कहते नहीं कि हमें श्रद्धा है, किंतु फिर भी वो श्रद्धा में नमित रहते हैं, समर्पित रहते हैं। जिसमें श्रद्धा होती है, जिसमें गहरी श्रद्धा होती है, वो अलग चमकता है। देखो तुम फूलों को कैसे खिलते हैं, कैसा उनमें सौंदर्य होता है। वृक्ष को देखो, उसकी हरियाली को देखो, पक्षियों को देखो चहचहाते उड़ते हुए। तुम उन आवारा पशु पक्षियों को देख लो। तुम कहते हो कि गाय को अगर हम पालेंगे नहीं तो भूखी मर जाएगी। अरे जिनको तुम पालते हो जला, उनकी हालत तो देख लो, उनके चेहरे देख लो। उसी की जगह एक उस पशु का चेहरा देख लो, उसकी हालत देख लो, जो बिल्कुल आवारा फिरता है। जो आवारा फिरता है वो मस्त मलंग है, हट्टा कट्टा है। क्यों है? क्योंकि उसमें श्रद्धा है उसके प्रति जो उसे यहाँ भेजता है, जिसने उसे यहाँ उत्पन्न किया। तुमसे कहा जाता है कि श्रद्धा रखो। श्रद्धा रखने का अर्थ ये नहीं कि बस यूं ही कर दिया कि चलो ठीक है आज से हम भी श्रद्धावान हो गए। अरे देखो, समस्त प्रकृति को देखो, जानो, समझो। लेकिन तुम्हारे मन में होता है नहीं, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये कमी है, वो कमी है। अब अगर तुम्हारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तो कामना जहां है वहां तो श्रद्धा नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं है कि पेड़ को अगर उसके प्रति श्रद्धा है तो पेड़ अपना कर्म नहीं करता। पेड़ कर्म तो करता है ना। पेड़ का कर्म क्या है? वो छाया देगा, वो वायु देगा, वो फल देगा, वो फूल देगा, वो लकड़ी देगा, वो तो कर रहा है, किंतु फिर भी श्रद्धा है उसमें। और श्रद्धा है इसीलिए वो फल हर बार आते हैं, और फल वो खुद नहीं खाता, संसार को बांट देता है, फिर भी उसके पास खत्म नहीं होते, आते ही रहते हैं जब तक है वो। तो वो तो कर्म करता है। तो श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि तुम बिल्कुल अकर्मण्य हो जाओ। कर्म तो तुम करोगे, करना नहीं चाहते तब भी करोगे, क्योंकि जब तक जीवित हो कर्म तो हो ही रहा है, किंतु फिर कोई कामना, कोई शिकायत नहीं रहेगी तुम में कि तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया। जब तक मनुष्य को शिकायत है, और जितने ये फिर रहे हैं गंवार ये कहते हुए कि हमें ईश्वर में श्रद्धा है, पर शिकायत करते हैं ईश्वर से कि ये कमी है, वो कमी है, ईश्वर के पास जाते हैं तो मांगने जाते हैं, भीख मांगते हैं, झोली फैलाते हैं, जो कहते हैं ईश्वर से कि मेरी ये कामना पूरी कर दे, तेरा भंडारा करवाऊंगा, तेरे नारियल चढ़वाऊंगा, ये सब झूठे हैं। ये अगर ये ऐसा कह रहे हैं कि ये दे दे हमें, हम ये करवा देंगे, इसका अर्थ यही हुआ ना कि शिकायत कर रहे हैं कि तूने हमें अभी कम दिया है, हमें और चाहिए। इसका अर्थ यही है ना कि तू बेईमान है, तू इंसाफ नहीं करता है, यही कह रहे हो ना तुम उससे, मतलब तुम शिकायत कर रहे हो। और जब तक उसके प्रति शिकायत है, जब तक तुम में उससे कुछ पा लेने की कामना है, तब तक श्रद्धा नहीं है। जब तुम ये जान लो कि जो उसे देना था उसने दे दिया, और जो दिया वो पूरा है, कोई कमी नहीं है, जब ये जान लेते हो तब श्रद्धा आती है। उसने हाथ दिए, हाथ नहीं दिए, एक हाथ दिया तो दिया ना, उसने पैर दिए और पैर नहीं दिए तो हाथ दिए, कुछ तो दिया ना। तुम हो, तुम्हारा होना उसकी प्रति श्रद्धा का कारण है। तुम हो, तुम जीवित हो, तुम श्वास ले रहे हो, तुम देख पा रहे हो, तुम चल पा रहे हो, तुम बोल पा रहे हो, तुम सुन पा रहे हो, ये क्या है? जीवन की जो भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं, जल, वायु, अग्नि, सब कुछ तुम्हें मुफ्त मिल रहा है, किंतु तुम हमेशा चिंतित परेशान रहते हो। एक कामना तुम्हारी पूरी होती नहीं तब तक तुम दूसरी कामना शुरू कर देते हो। एक बोझ तुम्हारा उतरता नहीं तब तक तुम दूसरा बोझ उतार लेते हो। और तुम अगर देखोगे तो तुम कहोगे तुम्हारे पास कारण बहुत हैं। तुम कहोगे देखो ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और सबको यही लगेगा कि हाँ भैया तुम्हारे पास कमी है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके ना होने पर भी तुम जीवित हो ना। जिस चीज की तुम मांग कर रहे हो, जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो, आज वो तुम्हारे पास नहीं है, क्या तुम जी नहीं रहे हो? क्या तुम उसके बिना पहले नहीं जी रहे थे? तुम्हारे पहले जो लोग हुए क्या वो उसके बिना नहीं जी रहे थे? जी रहे थे, बड़ी मौज में भी जी रहे थे। लेकिन तुम करते हो तुलना, तुम करते हो दूसरों से बराबरी,
दूसरों से होड़ करते हो। तो जहां होड़ है, जहां बराबरी है, जहां तुलना है, जहां कामना है, जहां इल्जाम लगाया जा रहा है, वहां श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ तो है कि हमारे लिए जितना जरूरी था तूने उतना दे दिया, उससे ज्यादा दे दिया। अब हम वो करेंगे जो संसार के कल्याण के लिए और हमारे जो बंधन है कुछ उनसे मुक्ति के लिए जरूरी है। हम अब जिएंगे किंतु अपने लिए नहीं, अब हम उनके लिए जिएंगे जो अभी बंधन में है, जो पीड़ा में है। और हाँ, उस काम को करने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, किंतु हमें तुझ पर इतनी श्रद्धा है कि हम यदि काम करेंगे तो जैसे फल पेड़ को तू फल देता है, उसी तरह से हम काम करेंगे तो हमारा कर्म ही उन संसाधनों का निर्माण करता जाएगा जिनकी हमें आवश्यकता होगी। तो हमें श्रद्धा है तुझ पर कि तू ही हमें चलाएगा और हमसे सिर्फ उतना ही करवाएगा जितना तू चाहता है। जरूरी नहीं है कि हम ही उस काम को पूरा करें, हो सकता है हमें बीच में ही तू मिटा दे। पर तू यदि हमें मिटा भी देता है तो ये भी तेरा उपकार ही है। छूटे सारे बंधनों से, कर्म कर रहे थे कर्मों से भी छूट गए, उससे भी मुक्ति मिली। पहले तो सब कुछ देकर तूने संसार की भागदौड़ से मुक्त किया, अपनी कामनाओं से मुक्त किया, फिर जो हम कर्म कर रहे थे संसार के लिए अब तूने उससे भी मुक्त कर दिया। तो तू अगर दौड़ाएगा तो दौड़ेंगे, तू चलाएगा तो चलेंगे, तू हंसाएगा तो हंसेंगे, तू रुलाएगा तो रोलेंगे। ये श्रद्धा है। और श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं होता है। अंधविश्वास तो ये होता है कि कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं समझा, कुछ पूछा नहीं, कुछ खोजबीन बिल्कुल नहीं की और यूं ही बस कह दिया हाँ। किसी ने कह दिया भगवान होते हैं, हाँ मान लिया। किसी ने कह दिया नहीं होते हैं, हाँ नहीं होता है। किसी ने कह दिया भूत होते हैं, ठीक है होते हैं। किसी ने कह दिया नहीं होते हैं, हाँ नहीं होते हैं। ये अंधविश्वास होता है। और विश्वास क्या होता है? जितना अधिकतम हम जान सकते हैं, हमारे पास जितने संसाधन हैं, जितनी हमारी बुद्धि काम करती है, उसके माध्यम से जितना हम अधिकतम जान सकते हैं उतना हम जानेंगे। फिर हम उस बात पर विश्वास करेंगे कि ठीक है, ऐसा ऐसा होता है और इसलिए होता है, हमने जान लिया, अब हम इस पर विश्वास करेंगे। तो ये होता है विश्वास। कुछ भी नहीं जानना, कुछ भी खोजबीन नहीं करना और मान लेना, वो होता है अंधविश्वास। और जितना अधिकतम जाना जा सकता है अपनी क्षमता से, अपने संसाधनों से, अपनी बुद्धि से, उसको जान लेना, फिर उस पर विश्वास करना होता है विश्वास, फिर उसे मानना विश्वास होता है। अधिकतम जितना जाना जा सकता है उतना जानकर उसे मानना विश्वास है। आम के पेड़ में आम लगते हैं, ये विश्वास है। इतना जानने के बाद ये माना कि हाँ ये विश्वास है। और तूने आम के पेड़ में आम लगाए हमारे लिए ताकि हम भूखे ना मरें, ये श्रद्धा है। हमने ये जाना, खोजबीन करी कि आम का पेड़ होता है, उसमें लकड़ी होती है, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फिर माना, ये विश्वास है। और तूने हमें जानने के काबिल बनाया, ये श्रद्धा है। तूने हमें वो शक्ति दी जिसके कारण हम समझ सकते हैं, तूने हमें वो ताकत दी जिसके कारण हम जान सकते हैं, ये श्रद्धा है। तो विश्वास से भी आगे होती है श्रद्धा। न खोजा, न जांचा, न परखा और यूं ही मान लिया कि पृथ्वी चपटी है, तो ये अंधविश्वास हो गया। आज के समय में अगर आप यूं ही मान लो, लोग कहते हैं, लाखों लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी है, और तुमने मान लिया, कुछ जांचा परखा नहीं, तो ये अंधविश्वास है। किंतु आज तुम्हारे पास विज्ञान है, तुम विज्ञान का उपयोग करके ये जान लेते हो कि पृथ्वी चपटी नहीं है, फिर उसको माना, तो वो है विश्वास। और तूने पृथ्वी को ऐसा बनाया कि हम उस पर सलामत हैं। वो भले ही ब्रह्मांड में ऐसे तैर रही है जैसे पानी में पत्ता, पर फिर भी हम उससे गिरते नहीं। तूने सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की है, तो ये श्रद्धा है। सिर्फ जान लेना थोड़ी ना कुछ, क्या कर लोगे जान करके? पृथ्वी जान ली, गोल है, क्या मिला? पृथ्वी क्या है, कैसी है, उससे कुछ नहीं मिलेगा। पृथ्वी है, ये सौभाग्य की बात है। कल 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 नदियां बहती रहें और तुम्हें पीने को ही ना मिले,
तो क्या कर लोगे उस नदी को जानकर भी? पेड़ में फल फूल छाया सब कुछ है, किंतु तुम धूप में, कड़कती धूप में खड़े हो, प्यासे खड़े हो, भूखे खड़े हो, किस काम का वो पेड़? जान तो लिया, खोजबीन कर ली, कुछ काम आया? जान लिया तुमने कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसमें कितने रहस्य हैं, कितना इसमें सुंदर सुंदर चीजें भी हैं, उनकी आकृतियां, उनका सौंदर्य कितना कुछ है? क्या कर लिया जान के? अगर उसके प्रति श्रद्धा ना आई, अगर उसके प्रति समर्पण ना आया, अगर उसके प्रति नतमस्तक ना हुए, तो किस काम का? हाँ, आज यदि तुम्हें संसार में कुछ उथल पुथल दिख रही है, कुछ अव्यवस्था दिख रही है, दुख दिख रहे हैं, संताप दिख रहे हैं, तो वह इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये मनुष्य का ही कारनामा है। मनुष्य ने ही अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए संसार की ये दुर्दशा की है, तो इसमें आप उसे दोष नहीं दे सकते जिसने ये सब आपको दिया है। पृथ्वी की दूरी तो सूर्य से एक निश्चित दूरी ही है, और जैसा वातावरण आवश्यक था तुम्हारे लिए वैसा उसने दिया था, किंतु आज यदि सूरज गर्म हो रहा है तो तुम्हारे कारनामों की वजह से, तुम्हारी बढ़ती आबादी के कारण, तुम्हारे भोग के कारण, तुम्हारे मांसाहार, तुम्हारी क्रूरता, तुम्हारे अत्याचार के कारण जो तुम प्रकृति के साथ कर रहे हो। महल बना लिए हैं, बैंक अकाउंट भर लिए हैं, कोठे भरे रखे हैं, उसके बाद भी तुम में इतनी श्रद्धा नहीं है कि तुम मौज में जी सकते हो। तुम कहो कि हमारे धर्म में लिखा है कि जानवरों को मारकर खाना हिंसा नहीं है, तो हम मारकर खाएंगे, ये अंधविश्वास है। और तुम जान लो कि किसी जीव को मारकर खाए बिना भी मैं जीवित रह सकता हूँ, ये श्रद्धा है। और यहाँ तो श्रद्धा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, यहाँ तो विश्वास से ही काम हो जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि संसार में इतना कुछ है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं कि आप जीवित रह सकते हैं किसी जीव को मारे बिना भी। पर फिर भी इंसान हिंसा करता है अपने स्वाद की खातिर, अपने स्वार्थ की खातिर। तो अकर्मण्य नहीं बनना है, कर्म तो और ऊंचे करना है, किंतु वहां कामना नहीं होगी, तुम करता नहीं होगे। और तुम करता नहीं होगे क्यों? क्योंकि तुम्हें फल की इच्छा भी नहीं है, तुम कर्म कर रहे हो। फल तुम्हें जितना आवश्यक होगा उतना देने वाला दे देगा, क्योंकि मुर्दे को भी देते है कपड़ा पानी आग। जब मुर्दे को चिंता नहीं तो जीवित होकर मैं क्यों चिंता करूं? भीख मांगने वाला भिखारी भी भूख के कारण नहीं मरता है, उसको भी खाने का मिल जाता है। हाँ, पर जैसे आप सब कुछ होते हुए भी चिंतित परेशान रहते हैं, अशांत रहते हैं, वैसे ही उसके पास होगा तो भी वो परेशान रहेगा, क्योंकि ना समझी है सबकी, सबकी अश्रद्धा है। तो जो कोई भी डर के कारण या कामनाओं के चलाए किसी के सामने सर झुकाता है, वो समझना उसमें कोई श्रद्धा नहीं है, वो जानता ही नहीं कि श्रद्धा होती क्या। जो झोली फैला रहा हो, जो भंडारे करवा रहा हो ताकि और ज्यादा पुण्य मिल जाए, वो कुछ नहीं जानता। श्रद्धा तो तब आती है जब तुम निश्चिंत हो जाते हो, हर तरह की कामना से, डर से मुक्त हो जाते हो, हर तरह के संदेह से फिर जब मुक्त हो जाते हो कि संभालने वाला है, तो मुझे अपनी परवाह करने की तो आवश्यकता नहीं है। और केवल तब ही तुम ऊंचे कामों को कर सकते हो। और जिसे अपनी ही परवाह रहती है वो कौन सा ऊंचा काम करेगा? तो जिन्होंने भी ऊंचे और बड़े और महान काम किए हैं, उन सब में गहरी श्रद्धा थी उसके प्रति कि वो जो भी करेगा सही ही करेगा, इसीलिए वो भी ऊंचा काम कर पाए, क्योंकि फिर उन्होंने अपनी परवाह की ही नहीं। और इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें कभी भूखा ना रहना पड़ा हो, कभी घर से बेघर ना रहना पड़ा हो, हर जगह रहे किंतु मौज में रहे, ताकत में रहे, निडर रहे, बल के साथ जिए, वो ऐसी होती है श्रद्धा। तो कायर इंसान कभी श्रद्धा नहीं कर सकता, लोभी इंसान में श्रद्धा उठ ही नहीं सकती, कामी इंसान में श्रद्धा उठ ही नहीं सकती। श्रद्धा के लिए तो बड़ी ताकत चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए, और किसी लालच के सामने ना झुके, इसके लिए भी सर उसका उठा रहता है, हर कहीं उसका सर नहीं झुकता। खासकर संसार के लुभाव में, तो संसार के लालच में तो वो आता ही नहीं, चाहे संसार उसे कितना ही लुभाए, तब आती है श्रद्धा।